हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं हूँ गुलशन सर और आप देख रहे हैं वीडियो में कि एक प्रश्न है, और प्रश्न है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 = 0 के मूल ज्ञात करें। दोस्तों, मूल ज्ञात करना है, इससे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि मूल मूल एक्स कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, मूल को कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपका एक सूत्र है जिसको हम बगल में एक सूत्र को लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर सूत्र है कि मूल एक्स बराबर सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। दोस्तों, द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा यदि कोई भी प्रश्न अगर ज्ञात करने के लिए कहे, तो एक फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बी का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है और सी का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, पहले इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि जो दिया गया समीकरण है उस समीकरण को पहले लिखते हैं। तो सोल्व में लिखते हैं दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर के बाद जीरो। यहां पर हम लोग लिखेंगे, पहले यहां ए बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो एक जरूर छुपा हुआ रहता है, तो ए का वैल्यू हो गया। बी बराबर एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, तो 7 है। और सी बराबर तो कॉन्स्टेंट, तो अचर पद कितना है, 10। फिर से थोड़ा ध्यान से आप ध्यान देंगे और इस प्रश्न को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर आप देखते हैं कि एक छुपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का वैल्यू, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी का वैल्यू, और यहाँ पर जो आप कॉन्स्टेंट पद जो देख रहे हैं वो आपका सी का वैल्यू है। तो दोस्तों, प्रश्न में कहता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो पहले ही बता दिए थे कि मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या है, तो सूत्र से चलेंगे। तो आपका सूत्र है मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में लिखेंगे हम लोग 2a। अब यहाँ पर देखिए, जहां जहां b है यहां पर b का वैल्यू लेंगे, जहां a है यहां से a का वैल्यू लेंगे, और जहां c है वहां पर c का वैल्यू लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बैठाने का सेटिंग देखिए, तो b का वैल्यू कितना है, तो 7, तो माइनस जगह पर 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू देखिए कितना है, 1, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है 10 बट्टा में 2a, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1। देखिए माइनस 7 अपना जगह पर, प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 10 के पावर एक बार 10 और 10 चौका 40 और बट्टा में 2 के पावर एक बार पढ़िएगा तो 2। अब यहां पर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर
माइनस सात प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 40 को घटाइएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा 9 बटा में 2 बराबर माइनस सात प्लस माइनस रूट अंडर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बटा में कितना 2 बराबर। अब यहां पर अलग कर लेंगे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो देखिए माइनस सात प्लस 3 बटा में 2 कमा माइनस सात माइनस 3 बटा में 2 बराबर माइनस सात और प्लस 3। तो माइनस सात में से प्लस 3 को आप क्या करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4 और बट्टा में 2। माइनस सात और माइनस 3 तो माइनस में 10 और बट्टा में कितना 2। काटिए 2 दूना 4 माइनस 2 मरते में 2 पचे 10 माइनस 5 मरते में तो माइनस 2 और माइनस में 5। ये जो प्राप्त वैल्यू हुआ है यही है एक्स का वैल्यू। तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर माइनस 2 एवं माइनस 5 है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 बराबर के बाद क्या होगा 0। यहाँ a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू होगा x का गुणांक तो कितना हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा प्लस में 9। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है तो द्विघात सूत्र होता है मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में हो जाएगा कितना 2a बराबर b का वैल्यू। देखिए कि b का वैल्यू कितना है 6 तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना है 6 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है तो सी का वैल्यू है 9 बट्टा में 2 गुना ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब ध्यान दीजिएगा इधर हम सोल्व कर रहे हैं बराबर माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 × 1 = 36 माइनस 9 के पहरा 4 बार पढ़िएगा तो 36 और बट्टा में 2 के पहरा एक बार पढ़िएगा तो 2 बराबर माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस में 36 माइनस में 36 तो घटकर कितना हो जाएगा 0 और बट्टा में क्या लिखेंगे तो बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 0 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 0 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहां से लिखने का तरीका आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहां से गलत करते हैं। लिखने का पूरा तरीका को देखिए, एक बार जो है यहां पर प्लस के साथ हो जाएगा और एक बार माइनस के साथ होगा। तो देखिए माइनस 6 प्लस 0 बट्टा 2 कमा माइनस 6 माइनस 0 बट्टा में 2। आपको पता होगा कि माइनस 6 में 0 को ऐड करेंगे तो माइनस 6 होगा बट्टा में 2 कमा माइनस 6 में से 0 को घटाइएगा तो माइनस 6 बट्टा में 2। अब इसको काटिए तो 2 तिहाई 6 माइनस 3 मरते में 2 तिहाई 6 माइनस 3 मरते में तो यहाँ पर जगह माइनस 3 कमा माइनस 3 लिख देंगे। अतः मूल x बराबर माइनस 3 एवं माइनस 3 है। यही हो गया आपका आंसर।